हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर इज आर एम। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कॉलम्स दिए गए हैं, दो कॉलम्स दिए गए हैं, एक तरफ पिक्चर बनी है और दूसरी तरफ वर्ड्स लिखे हैं। तो पिक्चर को देखकर वर्ड से मैच करना है। जैसे क्या है, वन नंबर पे फ्लावर, तो इसको बी वाले फ्लावर से मैच करना है। ए डॉक्टर, तो डॉक्टर को ए से मैच करना है। अब हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। आई एम निधि, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, मैरी इज माई लिटिल सिस्टर, शी इज ओनली 6 मंथ ओल्ड, माई मदर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ऑल्सो ए डॉक्टर, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टेइंग विद अस एंड दे आर वेरी गुड टू मी, ब्रूनो इज माई पेट डॉग, इट इज वेरी फेथफुल। तो ये निधि ने अपने बारे में कुछ बातें बताई हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हम इसके बारे में कुछ समझते हैं कि आई एम निधि, हम क्या सेंटेंस लिखते हैं। आई के साथ हमेशा हम एम एम लिखते हैं, ए एम एम, आई एम निधि, शी इज ए डॉक्टर या शी इज ए लायर, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ही इज ए डॉक्टर और ही इज ए लायर, लेकिन इट के साथ इट इज ए पेट डॉग, डॉग यानी कि जो कि पर्सन नहीं होते। तो सिंगुलर नाउन जैसे मीनू, माई फादर, मेरी, माई मदर, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन, एक नाउन है। इसके साथ हम इज लिखते हैं। प्लूरल नाउन जैसे वी, वी मतलब हम, एक से ज्यादा, दे, यू, माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये प्लूरल वर्ड्स हैं, इनके लिए हम आर यूज करते हैं। एंड इसी चीज को और समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज करेंगे। इस एक्टिविटी में बच्चों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमें इज, एम और आर जो भी सुटेबल है जिस सेंटेंस में उससे फिल करना है। जैसे फर्स्ट वन हम करते हैं, आई एम अर्पित, आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, ए एम, आई एम ए सिंगर, द सन इज ब्राइट, क्योंकि सन एक है, दे आर इन द स्विमिंग पूल, क्योंकि दे प्लूरल है, द पपीज आर, क्योंकि पपीज बहुत सारे हैं, वी आर, अंजू इज, जो एक है उसके लिए इज लिखेंगे, स्नेहा इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें करेक्ट सेंटेंस के सामने टिक मार्क करना है। जैसे फर्स्ट वन है, आई इज ए गुड बॉय, नो, क्योंकि आई एम ए गुड बॉय, आई के साथ हमेशा एम लिखते हैं, आई एम ए गुड बॉय, शी इज ए टॉल गर्ल, शी आर ए टॉल गर्ल, तो शी इज ए टॉल गर्ल क्योंकि शी एक है, टीना इज माई फ्रेंड, टीना आर माई फ्रेंड, टीना एक है इसलिए टीना इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों यहाँ पर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड, अपने आप के बारे में और अपने फ्रेंड के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में कुछ बताना है। जैसे आई एम मनीष, दिस इज सोहन, वी आर फ्रेंड्स, आई एम पद्मा, आई एम ए टीचर, ही इज पंकजा, ही इज ऑल्सो ए टीचर, वी आर टीचर्स। तो आपको याद रखना है हमें इज आर एम कहाँ कहाँ पे यूज करना है। इसी तरह से आई एम एन इंजीनियर, शी इज ऑल्सो एन इंजीनियर, वी आर इंजीनियर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, कुछ सेंटेंस हैं, उनको आपको इज आर एम से कंप्लीट करना है। जैसे आई एम शिव, दिस इज माई फैमिली, माई पेरेंट्स आर टीचर्स, माई सिस्टर इज 5 ईयर्स ओल्ड, हर नेम इज सिया, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड, My grandfather is my best friend. My grandmother and mom are very strict. क्योंकि एक से ज्यादा हो गए. I am very naughty. I hide under the bed when they get angry with me. Thank you.